हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज मैं जाने वाली हूँ टायर पट्टी इंटीरियर कैसा है, क्योंकि टायर पट्टी नाम है तो मेरे हिसाब से इंटीरियर जो है वो टायर जैसा होना चाहिए, बट आई डोंट नो। तो वहाँ हम जाएंगे और दिखाऊंगी मैं आपको कि कैसा डेकोरेशन है, कैसा इंटीरियर है और फूडिंग कैसा है, कैसा नहीं, और भी बहुत कुछ। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। तो टायर जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, तो मैंने भी ब्लैक कलर का टॉप वेयर कर लिया है, साथ ही मैं व्हाइट जीन्स वेयर किया है। तो आज मैं पहनने वाली हूँ अपना न्यू वाली चप्पल। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने हील की थोड़ी सी, मतलब फ्लैट हील जो होती है ना, जो ऐसे लंबी नहीं फ्लैट जैसी होती है, वैसा एक सैंडल चप्पल टाइप का लिया है। सैंडल नहीं है, चप्पल जैसा है। मैं आपको अभी नॉर्मल चप्पल है, ब्लैक कलर का, बहुत ऑसम है। अभी आपको दिखाती हूँ। गाइस, ये है मेरा न्यू चप्पल। ये देखो, इसकी जो हील है काफ़ी अच्छी है, फ्लैट जैसी, अब गिरने का भी डर नहीं है। और ये देखो, फ्रंट साइड में इतना मस्त बना हुआ है, ट्रफल गर्ल लिखा है। ट्रफल केक सुना था, ट्रफल गर्ल भी देख लिया। देखो, ये नहीं है इसलिए ऊपर रख रही हूँ, तो आप लोग ऐसे मत बोलना कि बेड पे रखी है, वो नहीं है इसीलिए रखी हूँ। चलो अब मैं इसे वेयर कर लेती हूँ, क्योंकि ब्लैक टॉप है, वाइट जीन्स है, तो ये काफ़ी प्रिटी लगने वाली है। बस इसमें नेल पॉलिश लगाती, मतलब पैर में, तो और अच्छी लगती। देखो, अच्छी है ना। सो गाइस, फाइनली मैं आ गई हूँ टायर पट्टी। लेकिन यहाँ पे है ना, मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे ना कॉपीराइट लग जाएगा, तो जब मैं फूड वगैरह टेस्ट करूँगी तो हो सकता है मैं बोल ना पाऊँ। मैं ऊपर से नेक्स्ट लास्ट में जब एडिटिंग करूँगी तब बोल दूँगी, तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये कैफे है तो यहाँ पे गाना बजेगा, तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये देखो, चलो चलते हैं अंदर। तो गाइज़, ये वाला गेट है जहाँ से मैंने एंटर किया था। एंटर करते ही सामने में देख रहे हो टीवी है, यहाँ पे आप गेम्स खेल सकते हो, साथ ही में यहाँ पे कुछ भैया लोग बैठे थे। तो आगे जाएंगे तो आपको एक छोटा सा कार वाला दिखेगा, साथ ही में क्रिसमस का लाइट लगा हुआ है, मेरी क्रिसमस का ऑफर दिया गया इस बोर्ड पर। तो आगे जाएंगे तो आपको देखो ये कोने वाले साइड में एक जगह दिखेगा जहाँ पे आप बैठ सकते हो, वहाँ पे पानी रहता है नीचे और बॉल्स भी रहते हैं। और ये पानी जो है अभी ठंडा होगा, क्योंकि ठंड का टाइम है तो कोई यहाँ बैठना प्रेफर नहीं करता है, तो पानी इसलिए खाली भी है क्योंकि कम ही लोग यहाँ बैठते हैं। तो पानी का मज़ा ले सकते हो यहाँ पर बैठ के, आप खा पी सकते हो। तो और उसके बाद नीचे उतरोगे तो देखो सामने वाला पोर्शन, और साथ में यहाँ पे सोफ़ा वगैरह लगा हुआ है और टायर पट्टी, तो टायर भी छोटा सा टायर दिखा मुझे, और कहीं टायर दिख नहीं रहा था, सिर्फ बैठने का सीट वाला टायर था। साथ ही में देखो ऊपर में भी सोफ़ा है, आप ऊपर साइड में भी बैठ सकते हो आराम से। तो टायर पट्टी कहाँ है, मतलब टायर डेकोरेशन कहाँ है, मुझे ये जानना था। तो साथ ही में देखो एक और टायर दिखा मुझे, बैठने वाला टायर, तो वाइस सो सीरियस यहाँ पर लिखा हुआ था। तो ये देख रहे हो, बस इतना ही है गाइस। गाइस, ये काफ़ी छोटा लगा मुझे। भाई, सबसे पहले मैं ट्राई करूंगी चीज़ बॉल, जिसमें से चीज़ निकल रहे हैं, तो चलिए देखते हैं खा के। तो साथ में मेयोनीज डिप दिया गया है, तो चीज़ बॉल खाने में ठीक ठाक है गाइस, क्योंकि इसकी टेस्ट मुझे उतनी समझ नहीं आई, क्योंकि ये पहली बात तो गर्म था नहीं, थोड़ा गर्म होना चाहिए था, चीज़ निकलना चाहिए था, ऐसा लग रहा चीज़ जो है उसके अंदर ही दब चुका है, तो उतना टेस्टी मुझे नहीं लगा ये। साथ ही में उसके बाद मैंने ट्राई किया है मोमोज, जिसके साथ दो तरह की चटनी थी, एक झाल वाली थी और एक नॉर्मल वाली। तो मोमो काफ़ी गर्म था, देख रहे हो धुआं निकल रहा है, तो इसे खा के बताती हूँ कैसा है। तो मोमो के अंदर वेजिटेबल्स वगैरह था और ये टेस्टी लग रहा था गाइस, मोमो इज़ वेरी टेस्टी, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लगी। तो नेक्स्ट आइटम था हमारा बेबी कॉर्न, तो कि बेबी कॉर्न जो था वो क्रिस्पी क्रिस्पीनेस जैसा लग रहा था, तो चलिए इसे खा के बताती हूँ कैसा लग रहा है। और गर्म भी था और इतना क्रिस्पी था कि देख रहे हो ना, टूट भी नहीं रहा है, मतलब मेरे चम्मच में भी नहीं आ रहा था, इतना क्रिस्पी था ये, तो ये चीज़ अच्छी है इसकी। तो चलो इसे खा के बताती। ओ माय गॉड, बेबी कॉर्न इज़ ऑल्सो टेस्टी, काफ़ी स्पाइसी था, क्योंकि इसका नाम ही क्रिस्पी चिली बेबी कॉर्न था, तो काफ़ी स्पाइसी था, काफ़ी क्रिस्पी था और साथ ही में टेस्टी भी बहुत था, तो मैं खाती जा रही थी। तो बेबी कॉर्न इज़ ऑल्सो वेरी टेस्टी, बस एक चीज़ बॉल ही मुझे कम समझ में आया और बाकी ठीक था।
सो गाइज मुझे लगा था कि टायर पट्टी है तो कुछ अच्छा डेकोरेशन इंटीरियर वगैरह पूरा टायर का होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब उतना भी खास, मतलब टायर पट्टी नाम दिया गया तो आई थिंक टायर वायर लगी रहनी चाहिए थी, टायर की डेकोरेशन होनी चाहिए थी, पर वैसा कुछ भी नहीं था। मैंने आपको तीन जगह दिखाया जो एक ऊपर चढ़ के बैठने का था सोफ़ा, एक नीचे बैठने का सोफ़ा था, और एक जगह था जहाँ पे पानी वाला था, जहाँ पे बॉल्स गिरे रहते हैं और पानी रहता है और आप आराम से पैर झुका के बैठ सकते हो। तो मतलब वो चीज़ मुझे थोड़ी सही नहीं लगी, मतलब टायर पट्टी जैसा कुछ था नहीं, लेकिन चलो ठीक है, मतलब जा सकते हो। और फूड की बात करूँ तो फूड में मुझे चीज़ कॉर्न चीज़ बॉल, मैंने आपको बताया कि वो थोड़ी एंड बेबी कॉर्न इज़ टेस्टी, क्रिस्पी था और क्रिस्पीनेस था, स्पाइसी था, तो बेबी कॉर्न इज़ टेस्टी एंड मोमो इज़ वेरी वेरी टेस्टी, वहाँ की मोमो काफ़ी अच्छी लगी। वैसे आपको जाना तो आप जा सकते हो, बट मेरे हिसाब से और अच्छी होनी चाहिए थी। लव यू ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और भी मैं, अगर आपको कैफ़ेज़ की वीडियोस देखना पसंद है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं कैफ़ेज़ की और नई नई अमेजिंग वीडियोस लेके आऊँगी। जैसे मैं कैफ़ेज़ ऑल्टेयर वगैरह गई थी तो मैंने व्लॉग डाला ही था, तो और कोई कैफ़े अगर अच्छी जाऊँगी तो वीडियो ज़रूर डालूँगी। तो आप लोग मुझे बताना कि आपको पसंद आते हैं ऐसे व्लॉग कि नहीं। तो गाइज़, और वहाँ पे ना गाना भी चल रहा था जैसे मैंने पहले ही बता दिया था, तो इसीलिए मैं क्या ना बोल नहीं पाती हूँ कॉपीराइट के डर से, कॉपीराइट लगने की वजह से कहीं मेरी आईडी बैन ना हो जाए, बस इसी रीज़न की वजह से मैं बोल नहीं पाती हूँ, सॉरी। प्लीज़ आप लोग वीडियो लाइक करना और शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ।